What's up guys? कैसे हैं आप सब? Guys, I hope everybody is doing good. नमस्ते आप सभी लोगों को. Friends, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाइट प्लान के बारे में. लॉकडाउन पीरियड में इस कोरोना सिचुएशन में हमारी डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे कि आपका फैट इंक्रीज ना हो, फैट लॉस भी होता रहे साथ में. सो उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इम्यूनिटी का मतलब होता क्या एग्जैक्टली. सो इम्यूनिटी मतलब आपकी बॉडी जो बैक्टीरिया से या जो इन्फेक्शन है आपको या जो वायरसेस होते हैं उनसे जो फाइट करती है बॉडी, तो वो अच्छे से करती है या नहीं अच्छे से कर पाती, उस चीज को इम्यूनिटी बोलते हैं. जब हमारी बॉडी अच्छे से फाइट करती है इन सारे वायरसेस से, उसको बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी अच्छी है. और जब हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती इन सारे वायरसेस के साथ, तब हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी खराब है. सो इम्यूनिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सिर्फ ये कह देना कि डाइट से आप इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं, वो आंसर प्रॉपर 100% राइट नहीं है. वो 70-60% आंसर सही है कि हाँ, डाइट से आप अपनी इम्यूनिटी ठीक कर सकते हैं. अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है जब से कोरोना सिचुएशन हुई है कि आप ये खाएं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप ये खाएं तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी. वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, बट दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट. वो आपको इनसाइड स्टोरी नहीं बता रहे. अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, उसकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, और अगर आप उसे ये सारी चीजें खिला देंगे तो आपको क्या लगता है इम्यूनिटी बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी. सो पूरी एक लाइफस्टाइल होती है आपकी, क्या चीज आपको फॉलो करनी है क्या नहीं करनी, एक पैटर्न होता है पूरे लाइफस्टाइल का. जब आप इन सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. सिर्फ ये कह देना ये 10 चीजें खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. सो आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका न्यूट्रिशन, आपका लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका इम्यूनिटी अच्छी होगी या खराब होगी. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बताया है उस रिपोर्ट में, जो लोग स्लीपिंग पैटर्न जिनका खराब होता है, जो न्यूट्रिशन अच्छे से फॉलो करते भी हैं, मार्क माय वर्ड, जो न्यूट्रिशन फॉलो अच्छा करते भी लेकिन उनका स्ट्रीम स्लीपिंग पैटर्न बहुत खराब है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्लीपिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए, इसकी क्या साइंस है. सो एक स्लीपिंग हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, जो कि रात के 9 बजे से एक्टिव होता है. अगर आप 9 बजे से 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी. अगर आप उससे लेट कर रहे हैं 12 1 2 बजे और आप फिर लेट उठ रहे हैं, तो बॉडी का जो बॉडी क्लॉक होता है वो पूरा बिगड़ जाएगा. सो बॉडी हमारी इसी अनुसार बनी है, इसीलिए हमारे हार्मोन्स उसी टाइम पे एक्टिव होते हैं जिस टाइम पे इन हार्मोन्स की वर्किंग होती है. तो अगर आप लेट सो रहे हैं, आप लेट उठेंगे तो पूरा सिस्टम आपका बिगड़ गया, राइट. तो अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं, राइट, तो बॉडी आपकी अच्छी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे सारे हार्मोन्स तभी एक्टिव होते हैं जब हम सो रहे होते हैं. सारा फैट लॉस तभी हो रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं. सारा मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है, जो ब्रेक डाउन हमारी मसल को हुआ है आफ्टर वर्कआउट, वो तभी होता है जब हम सो रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम से सोना. टाइम से अगर आप नहीं सोएंगे और अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी. बट सिचुएशन अभी ऐसी है कि हमें घर पे ही रहना पड़ेगा, हम बाहर काम करने भी नहीं जा रहे हैं, जो भी सामान है घर का वो घर पे ही आ रहा है ऑनलाइन के थ्रू, हमारा सारा काम ऑनलाइन हो चुका है. सो एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमम हो गई है, और उन लोगों के लिए बहुत खतरा है जो वर्कआउट नहीं करते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो वर्कआउट नहीं करते, मेक श्योर आप एक घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट जरूर निकालें अपने लिए, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको. सो एक्टिव हमारी बॉडी नहीं है, तो इसमें मैंने जैसे बताया कार्बोहाइड्रेट्स हमें हाफ करने हैं. क्यों करने हैं? क्योंकि बॉडी एनर्जी यूज नहीं कर रही है. जब बॉडी एनर्जी यूज नहीं करेगी तो कहां जाएगी? वो फैट में कन्वर्ट होगी, और हम सबको ये पता है कार्बोहाइड्रेट्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कोई एनर्जी जब बॉडी में वो यूज नहीं हो रही, वो फैट में कन्वर्ट होगी ही होगी. इस बात को आप ध्यान से समझें. अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं उसको 1 करें, अगर आप इतने चावल खा रहे हैं तो उसको हाफ करें, राइट. और
ट्राई टू मिक्स मील जिसमें थोड़ा प्रोटीन भी हो, थोड़ा फैट्स भी हो, थोड़ा कार्ब, सब चीजें हो, बट कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा सा कट करें. मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम कट कर दे, एकदम कट करना भी नहीं अच्छा है, बट हाँ जरूर करें. सो मैं अपना जो डाइट प्लान है मैं लिंक में दे दूंगा आपको नीचे, आप वहां से जाके देख सकते हैं. मैंने अपनी वेबसाइट में डाइट प्लान बनाया रखा है फैट लॉस के लिए, प्रॉपरली आपको वो प्लान आप फॉलो कर सकते हैं विद वर्कआउट. मैं वर्कआउट का भी लिंक डाल दूंगा कि किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है. मैंने सीरीज़ निकाली अपनी इससे काफी पहले, रेजिस्टेंस बैंड सीरीज या डंबल सीरीज, मेरे बहुत सारे बॉडी वेट वर्कआउट भी हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस बात पे एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंजॉय वर्कआउट.